बहुत ही प्यारे प्यारे ना ये लगे पड़े यहाँ माल्टा बहुत सारे। और ये माल्टा भाई इतने फ्रेश हैं, ये देखो आप, एक में निकाल लेता हूँ। और देखो कितना आसान है भाई इसको निकालना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नबीन पहाड़ी ब्लॉग्स। अगर आपने हमारे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो भाई कल आया था मैं गाँव, जो कि मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। और अभी देखो सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी देखो भाई पहाड़ का मौसम कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल सच बताऊं गाइस तो बहुत ही ज़्यादा ना ठंड हो रही है। और देखो मैं पूरा का पूरा पैक हो रखा हूँ। तो आज है भाई शादी, जो कि मेरे भाई के साले की शादी है। और मैं घर पे आया था तो मैंने देखा भाई जो पिछली बार ना ये गुलाब का पेड़ बहुत छोटा था, आज बहुत बड़ा हो चुका है और इतने सारे फूल लगे हुए हैं। और इस साइड में दिखाता हूँ आपको भाई, ये फूल मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मैं क्या ही बताऊं। देख सकते हैं आप कि भाई क्या प्यारा लग रहा है ये फूल, देख रहे हो गाइस। और ये पूरे के पूरे भाई हमारे खेत हैं इस साइड, और नीचे हमारे और भी खेत हैं, नीचे नदी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका गांव कहाँ पड़ता है, तो गाइस ये है हमारा गांव, सबसे ऊपर देख पा रहे हैं टॉप पे, ये है भरपूर गाँव। और ये है हमारा सियालगी गाँव। और ये इसका रीज़न गाइस ये है कि पहले के लोग ना ऊपर रहा करते थे भरपूर गाँव में, पानी की कमी हुई तो लोग नीचे बसने आ गए, फिर हम ना यहाँ पे आ गए इस साइड। और नीचे है नदी और सामने है रोड और ऊपर भी वो है रोड। और ये हमारा घर, जो कि हमारा गांव में घर है। तो अभी ना भाई चाय पी लेते हैं। और सामने है किचन, इस साइड भी है किचन और सामने ये बाथरूम है। और अभी फ़िलहाल हमारे ये है चूल्हे वाली किचन, जहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है। और ये देखो मम्मी से मिलवाते हैं आपको मम्मी लोग बोला तो छिपड़ा लान बोल ठीक है कर जरा ये मारे में जम पैदा हुआ ये मारे इसे लाना वहाँ और मुझे कर। तो अभी देखो भाई मम्मी ने चाय लगा ली है और गरम गरम चाय पियेंगे, चाय के बिना तो टाइम ही नहीं कटता। क्या जो खाना मेरे को ये बात नहीं, चाय चाय जरूरी। ठंड बहुत माया गया, ठंड बहुत ज्यादा है। और चूल्हे पे भाई चल रही आग और साथ साथ में चाय का आनंद दे रहे हैं। और इस साइड बैठे हैं पापा, पापा कुछ बोलना क्या? बोलना क्या, ठंड लग रही है। और देखो पापा बिल्कुल पैक है। तो यार चाय हमने खत्म कर दी है और जो सामने देख पा रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा बाथरूम है। और गाइस पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, अभी आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है कि आज भी लोग ना अटैच लैटरिन और बाथरूम रखते हैं रूम में। और भाई हमारे गाँव में ना आज भी घर से दूर बनाई जाती भाई जो टॉयलेट होती है। और ये देखो आप, ये है भाई हमारी बिल्कुल पुराने जमाने वाली इंडियन सीट, इसके अंदर लगी हुई है और यहाँ पर जाके हम फ्रेश होते हैं। और ये देखो आपकी ये ना भाई साहब पराली है। तो शहरों में कई बार देखा होगा आपने, सुना होगा कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पराली जो है किसान जलाते हैं, बट यहाँ पर ना पूरा धान को काट के जो अनाज होता ना, जिसको हम चावल बोलते हैं, राइस की खेती होती है, तो भाई इसको काट के ना फिर इसको सुखा के और इसको पेड़ों पर इस तरीके से लटकाया जाता है, ताकि ये ना लंबे टाइम तक चले और जो हमारे जो पशु होते हैं गाय बैल, उनके काम आते हैं खाने के और स्टोर करने के लिए बढ़िया रहते हैं। और उस साइड में देखो, इस साइड में लगा हुआ है। और फिलहाल तो भाई देखो मौसम यहाँ का है बिल्कुल ठंडा सा। और यार गाइज ये हमारा नेचुरल धारा, जिसमें भाई 24 घंटे पानी आता रहता है, वो भी बिल्कुल नेचुरल। अभी मैं ना सब्जी मैंने कुछ कटिंग करी है, मैंने कहा मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दूँ और इसको मैं यहाँ पर धो देता हूँ। और जो हमारे यहाँ पानी आता गाइज, वो आता भाई सामने से, देख रहे ना पहाड़ी, यहाँ से आता भाई पानी अंदर से पहाड़ियों से। तो अभी तो मैं इसको फटाफट से धो देता हूँ। तो चलो यार अभी मैं आपको ना एक चीज़ बहुत मस्त चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये है नींबू का पेड़। और अगर आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे हैं इस तरीके से, जिसके पत्ते ना फ्लैट होते हैं, फ्लैट देख रहे हो, तो इसका पत्ता निकाला और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका ना क्या बनाया जा सकता है बढ़िया सा। तो देखो यार अभी ये पत्ता जो मैंने निकाला था ना, नींबू का पेड़ का पत्ता है ये। और अगर आपके आसपास कोई भी पत्ते हैं, या फिर जैसे हमारे पास ना कोई कॉपी होती है, उसका एक पेज, छोटा सा पेज फाड़ के इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और इसका मैं दिखाता हूँ आपको एक कमाल की चीज़ बना के। मम्मी आ रही है, मम्मी है, मम्मी क्या कर रही? ये क्या हम कर लगे ठंड लग रही है
ना सही करनी पड़ी ठंड लग सके अभी मैं दिखा हम पिंपियारो कर तो ये देखो गाइस ऐसा ना ऐसे भारी कार गिरा ना मेरी तो अभी देखो ये ऐसा है इसको ना ऐसा राउंड करना पड़ता है बिल्कुल गोल है और अब इसको ना यहाँ से देखो गाइस ये ना इसको प्रेस करना पड़ता है जस्ट प्रेस आयो और गाइस सबसे बड़ी बात बता क्या ये बाजा ना हर कोई बना सकता है आसानी से बच्चे के लिए बहुत अच्छा है ये बजट पैसे लगाने की जरूरत नहीं है और मम्मी कह रही है कि भाई पहाड़ों में बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी होती है आपने सुना होगा नाम कंडाली बहुत बढ़िया कंडाली खोलिया और इसके अलावा पालक तो आपने सुना ही होगा अगर आपने कंडाली का नाम सुना है जिसको हम बिच्छू घास बोलते हैं हिंदी में कॉमेंट करके जरूर बताना है ना क्या बताए बदलने बुढ़ना 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 साके नो अब तुम झाड़ते अभी मम्मी सब्जी लगा रही भाई तो फटाफट से उसके बाद नाश्ता करते हैं तो अभी दोस्तों मम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया है और अभी बन रही भाई चूल्हे पे गर्मा गर्म रोटी और वो भी रोटी बन रही की क्योंकि भाई रोटी ये कोदा बोलते हैं गढ़वाली में और मंडवा अभी मैं खाऊंगा भाई सब्जी घी और ये है चूल्हे पे बन रही भाई बड़ी स्वादिष्ट रोटियां और सच बताऊं गाइस कि चूल्हे की ना रोटी अलग होती है दांत वाला क्या जो करकरी बनो चूल्हे रोटी स्वाद ना बढ़िया अच्छा दांत इतना बढ़िया अच्छा स्वाद खाना होता है दांत हाँ और भाई चूल्हे का जो स्वाद है ना भाई इसका अलग ही अपना मजा है मिजाज दिखन तब आखा खाण खान तब दांत अच्छा कितनी मेरा आखा दांत भी जरूर छेड़ा तो चलो यार मैं फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ गाइस तो देखो गाइस गांव में काम कैसे होता है अभी पापा चढ़ रखे हैं पेड़ के ऊपर और ये जो पेड़ के पत्ते हैं ना इसको निकाल रहे हैं क्योंकि ना यहाँ ये भीमल है ये भीमल का भीमल का पेड़ है और ये चारे के काम आएगा ये प्रोटीन है गाय के लिए पापा कह रहे हैं ये प्रोटीन है गाय के लिए और जो भी जानवर होते हैं गाइस गाय भैंस और बकरी जो भी गाँव में होती है वो सारे के सारे भाई उनके लिए चारे का काम करता है तो अभी पापा निकाल ही रहे हैं और भाई आसान नहीं है पहाड़ में स्ट्रगल करना तो दगड़ियों अभी बच चुके हैं भाई दोपहर के दो और अभी हम नहा धो के बस निकल रहे हैं और गौरव की वाइफ जो है ऑलरेडी दो दिन पहले चले गए थे और अभी मैं पापा और मम्मी हम जाएंगे भाई तीनों बाइक से वैसे ट्रिपलिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है एज पर ट्रैफिक रूल्स बट क्या करें मजबूरी है भाई क्योंकि स्कूटी ले गए गौरव और मामी भी पीछे से आ रही है थको ले मम्मी कह रही उकाल चढ़ाई नहीं चल पाती हूँ मैं अब मम्मी गाइस बहुत बोलती ब्लॉग में और शर्माती नहीं है और पापा बोलते पापा क्यों नहीं बोल रहा क्या बोले गाय पापा कह रहे मैंने मम्मी को पावर दे रखी है तो फिलहाल मम्मी को भी पावर है बोलने की तो अभी हम आ चुके अपनी बाइक के पास में और अभी हम तीन लोग जाएंगे इससे बिकॉज एक बात बहुत कमाल की है भाई ये सीट ना मैंने यहाँ करवाई थी और यहाँ पर काफी सारा स्पेस है तो अभी मम्मी तुम सड़क पर जाओ पापा मैं लोन बाइक निकाल दें तो अभी मैंने बोला मम्मी पापा को कि आप जाओ रोड पे रोड पास में ही है ये है रोड ऊपर और अभी मैं बाइक लेके जाऊंगा भाई इस रास्ते से तो यार गाइस अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई तो अभी मेरे सामने मम्मी बैठी हुई है और यहाँ पर हमने बाइक पार्क की हुई है और सामने जो है पापा जा रखे हैं अभी मंदिर में और अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से इतना प्यारा नज़ारा है गाइस सीरियसली बताऊँ मैं आपको देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है पूरी पहाड़ी दिख रही है भाई देखो और ये कुछ इस तरीके से रोड होती है पहाड़ों में और ये कुछ इस तरीके से रास्ते होते हैं देखो ये रास्ते हैं और भाई पहाड़ों में पलायन होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है भाई अच्छे हॉस्पिटल अच्छा इलाज ना मिलना अच्छे स्कूल ना होना ये सबसे बड़ा कारण है तो अभी मैं मिलवाता हूँ आपको मम्मी से और मम्मी से पूछते हैं भाई माँ जी एक बात बताओ भले आजकल लोग पहाड़ बेटन पलायन करने लगे हैं
के कर लग गया के कारण आ ये मेरा है तंत सरकार भी हमारी है उधर खंड बल पांच धाम बनेगी मुख्यम ना हमारे मुख्यम पांच धाम बनेगी सरकार जो स्वास्थ्य शिक्षा देन जखो भी ये पर देख के और पर शिक्षा स्वास्थ्य देन ना जखो भी तो जम जा के खिन जन पहाड़ सब धान खान पान सब धान किया मेरा सरकार ने क्या मेरा इतना छोड़ जंगल पेट बारी भय पड़ी था तो अभी मम्मी कह रही है भाई आजकल ना तेंदुए इतने ज्यादा हो चुके पहाड़ों में कि आजकल मम्मी कह रही सरकार ने छोड़ रखे हो कहने वाली हुई ना चिड़िया घर पर तो बहुत ज्यादा सुनिए फूर्ति होने नहीं सरकार गाड़ी भर गाड़ी करी तो जनता ही मान चाहे तब तो भाई अब क्या होता है ना पहाड़ों में बहुत सारे हमले हो चुके हैं भाई लोगों पे क्योंकि पहाड़ों में तेंदुआ बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो अभी निकलते हैं भाई और सामने गांव है भाई हुल्डियान गांव जो कि मेरे छोटे भाई का ससुराल है और वहां पे भाई शादी तो चलो तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हुल्डियान गांव में और अभी मैं आपको दिखाता हूं भाई बहुत ही प्यारे प्यारे ना ये लगे पड़े यहां माल्टा बहुत सारे और ये माल्टा भाई इतने फ्रेश हैं ये देखो आप एक में निकाल लेता हूं और देखो कितना आसान है भाई इसको निकालना और अगर आपने भी गाँव में माल्टा का इन्जॉय किया है भाई कभी तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना और ये है पूरा का पूरा हुल्डियान गांव तो आज बेसिकली यहाँ पर दो शादियाँ हैं एक है सामने घर पे और एक अनुपा की भाई की शादी है उस साइड और भाई ये अभी बनना शुरू हो चुके हैं पकौड़े लिया तुम बल वीडियो में और सारा प्रणाम बाप प्रणाम तुम वीडियो में और लगे सब है क्या बन लगा पकौड़ा ई बाबा अच्छा पकौड़ी और दाल की पकौड़ी पहाड़ की पकौड़ी और यार ये रहा ये रिवाज हमारे पहाड़ों में बहुत ही पुराना है बहुत पुराना और ये पॉलिथीन की थैली ना पॉलिथीन की थैली पर तुम वे करने लगे हैं बड़ोड़ लगे हेलो गाइस अच्छा हेलो गाइस हाय चलो बना बना तो यार गाइस आज के टाइम में ना गांव हो या शहर हर जगह ना बच्चे देखो लगे पड़े हैं क्या बाबा कर रही हो देखो मेरे को गेम खेलू दिखो जरा और ये देखो गाइस फ्री फायर खेल रहे हैं बच्चे और इतने कौन से क्लास में हो आप और एक दिन में कितने घंटे खेलते हो पबजी ये फ्री फायर कितने घंटे खेलते भाई अरे झूठ बोल रहा गाइस और आजकल के बच्चे ना बड़े खराब हो चुके हैं भाई गेम खेल खेल के दो बार खेल लिया कितने दिन में दो बार हैं बढ़िया काम कर रहे हो तुम पढ़ाई वढ़ाई करो भाई पढ़ाई वढ़ाई करो तो गाइज ये है हमारे दूल्हे राजा अंकित भाई जिनकी जो है शादी है और आज है मेहंदी और अभी देखो भाई की मम्मी और यहाँ पे बूढ़ी जी की छुई लग रही बच्ची ये देखो बूढ़ी जी हमारे पुराने जमाने की हर दोस्ती दोस्ती मेरी भार दोस्ती है और इन दोनों की दोस्ती हो गई है तुम्हारी उम्र कितनी उम्र अस्सी साल और गाइज सबसे बड़ी बात क्या ना दादी जी नहीं बोलूंगा मैं बुड्ढी जी बोलूंगा नी नाती पोते तक देख चुकी है भाई साहब हम तो नहीं जीने अस साल तक हम तो 60 में खत्म होना आज की जनरेशन है वो तो कम से कम 60 से ऊपर जा पाएगी जिस तरीके का खान पीन है ना आज के टाइम में तो पुराने जमाने का खान पीन इतना बढ़िया था अरे तो यानो तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी ना चल रहा भाई अभी मेहंदी का प्रोग्राम और लगभग पूरा प्रोग्राम तो मतलब कि पेनी लग चुकी है और अभी भाई चल रहा है फोटो शूट और ये देख सकते हैं आप सारे के सारे अंकित भाई कैसा लग रहा है बढ़िया तो अभी ना फोटो शूट करवा रहे हैं और एक कैमरामैन वाले भाई हैं और साथ साथ में इस साइड भाई न्योता लिखवाया जा रहा है जो कि पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पुरानी परंपरा हमारी न्योता लिखवाना और सामने है भाई डीजे और अभी हम खाना वाना खा के सामने जाएंगे तो अभी भाई चल रहा है मम्मी और पापा का फोटो शूट और ये है पहाड़ी एंड पहाड़न ब्लॉगर छोटा भाई मेरा।